अगर उकरते हैं टोंक से, बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल टोंक के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। एक युवक के साथ आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की है। बेल्ट और डंडों से बीच सड़क पर युवक की पिटाई की गई है और इस दौरान जो भीड़ है वो दरअसल तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। कोतवाली थाना क्षेत्र के ताल कटोरा की ये घटना बताई जा रही है। तो एक और मॉब लिंचिंग का मामला यहाँ पर सामने आया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मारपीट यहाँ पर क्यों की गई है। जानकारी अभी जो मिली है उसके मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। सरेराहा बीच सड़क पर बेल्ट और डंडों से मारपीट की गई है और हर बार की तरह इस बार भी जो भीड़ है वो सिर्फ तमाशबीन बनकर यहां पर सब कुछ देखती रही। कोतवाली थाना क्षेत्र की ताल कटोरा की ये घटना बताई जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से युवक यहां पर मारपीट कर रहे हैं। ये दरअसल मोबाइल से बनाया गया वीडियो जो काफी दूर से शायद इसलिए बनाया गया ताकि उनको पता ना चले, क्योंकि जिस तरीके से वो पिटाई यहां पर कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने वाले का मोबाइल तोड़ दिया जाए। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक के साथ बीच सड़क पर 5 से 6 लोग हैं जो दरअसल बेल्ट और डंडों से जमकर मारपीट कर रहे हैं और इस दौरान चारों तरफ आपको चहलकदमी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं जो पिटाई होने वाले युवक को बचा सके। तो युवक के साथ आधा दर्जन युवकों ने यहां पर मारपीट किया, बेरहमी से मारपीट यहां पर की गई है। बेल्ट और डंडों से भी सड़क पर पीटा गया है और ये किसी जागरूक नागरिक ने वीडियो बनाया और उसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया है। मकसद सिर्फ इतना कि जो यहां पर कानून को हाथ में ले रहे हैं, युवक की पिटाई कर रहे हैं, उनकी पहचान हो सके और पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके। बहरहाल कोतवाली थाना क्षेत्र के ताल कटोरा की ये घटना बताई जा रही है। क्या वीडियो के आधार पर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर पाएगी, हिरासत में ले पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और इसके साथ बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इस युवक को क्यों पीटा जा रहा है। मेरे सहयोगी टोंक से जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक युवक कौन है, पीटने वाले कौन है और क्यों पिटाई यहाँ पर की जा रही है। देखिए इंद्र, इस तरह में अभी बात बिल्कुल साफ नहीं हो पाई कि ये युवक कौन है और पीटने वाले क्यों कौन है, क्योंकि ये किस चीज के 5 मिनट का ये वाकया हुआ था। एक वहाँ पर रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के बारे में ये पूरा वाकया हुआ। उसी के बाद संभवतः ये बताया जा रहा है कि कोई लड़का जो मेटर था उसी को लेकर एक पक्ष ने इस लड़के के साथ मारपीट की है, क्योंकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सबसे पहले जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उन्होंने पसिंदिया के पास भेजा और उन्होंने ये डिमांड की कि जो ये मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, जो भीड़ इस तरह से कानून हाथ में ले रही है, खुलेआम जो मारपीट कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी भैया जी बिल्कुल जिया, इस दौरान जानकारी लग पाई कि वीडियो कितना पुराना है और दूसरा सवाल ये कि जो ये लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं जो तमाशबीन बने हुए हैं, क्या उनमें से किसी ने इनको जाना? देखिए घटना की जो पुष्टि है वो साफ तौर पर हो चुकी है, आसपास के जो लोग हैं उन्होंने घटना की पुष्टि की। और जिया आपको रोकना चाहेंगे, दरअसल हमारे साथ कोतवाली थाना अधिकारी विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल यह है कि वीडियो तो आप तक भी पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा, जिसमें एक युवक की बेल्ट और डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है? नहीं, अभी मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन अभी तुरंत अभी मेरे पास फर्स्ट इंडिया के स्टिंगर से एक सूचना मिली थी और मैं उसको दिखवा रहा हूँ। घटना एक्चुअल में कहाँ की है, किसके साथ हुई, क्योंकि इस संदर्भ में किसी द्वारा थाने पर सर मैं बता देता हूँ, ये दरअसल ताल कटोरा इलाके की घटना है। राइट जी, तो वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा सर आपके पास? फोन है, उनकी पहचान करा लेते हैं। अभी इस संदर्भ में किसी ने अभी तक थाने पर कोई रिपोर्ट दी नहीं है, नहीं कोई टेलीफोनिक कोई इन्फॉर्मेशन आई है और आपसे जानकारी मिली है, मैं भी तुरंत इसको दिखवा करके और इस पर कार्रवाई करवाता हूँ। सर खुद प्रसंज्ञान यहाँ पर लेंगे, ये दरअसल इस वक्त अगर आप फर्स्ट इंडिया का चैनल स्विच यहाँ पर कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकायदा यहाँ पर जमकर मारपीट की जा रही है और काफी लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल, मैं खुद इस पर प्रसंज्ञान लेकर के और कार्रवाई करवाऊंगा। सर हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, दरअसल विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो तत्काल कार्रवाई कराएंगे।
देखिए चूंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जिसके साथ मारपीट की गई थी वो अभी तक कोतवाली नहीं पहुंचा। इस बात की पुष्टि मैंने कोतवाली के जो लोकल स्टाफ है उनसे भी कहा है। थाना अधिकारी के नॉलेज में जैसे ही बात आई तो मौके के नहीं गाड़ी को रवाना जरूर किया गया है। गाड़ी मौके पर पहुंच रही है। उसी बात से घटना की पुष्टि हुई की घटना आज ही की है, क्योंकि घटना आज ही की है। लगभग 12 बजे की बताई जा रही है सेंट सोल्जर के पास जो रेस्टोरेंट उसके वहां की बताई जा रही है। लेकिन मारने वाले कौन थे और जिस लड़के के साथ मारपीट की गई है वो युवक कौन था उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे के अंदर देखना यह की जो टोंक पुलिस हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सर, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे दर्जन भर से ज्यादा अलग लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो तमाशबीन बने हुए हैं, उनसे बयान लेकर भी ये पता चल सकता है कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने मारपीट की है, मामला सुलझ जाएगा? डेफिनेटली सब लोगों से वीडियो है, उस वीडियो में चेहरे साफ दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको क्लियर करके और इनको जल्दी से जल्दी पहचान की जाएगी। छोटा सा शहर है, आराम से पहचान की जा सकती है। लोगों की मदद ली जाएगी और भी आसपास में जो सीसीटीवी फुटेज होंगे उनसे उनका रास्ता देखा जाएगा किस तरफ से गए हैं किस तरफ से आए हैं। जल्दी इसको रिकवर करके और पता लगाया जाएगा इसमें। लेकिन विजय जी, मैं अब थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, क्या पुलिस का वहाँ पर कोई इकबाल नहीं, कोई डर नहीं कि खुलेआम सड़क पर बीच रास्ते में इस तरीके से कानून को हाथ में लिया जाता है? पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक को तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी जस्ट यह सूचना मिली है, मिलते ही कार्रवाई रेस्पॉन्ड दिया है पुलिस ने, तुरंत कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जिसके साथ घटना घटित हुई है उस व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं है। कोशिश की जाएगी उससे भी संपर्क करने की और उसके द्वारा रिपोर्ट क्यों नहीं की गई है इस बारे में पता किया जाएगा। जल्दी ही इस पर कार्रवाई करके आपको बताया जाएगा। चलिए विजय शर्मा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोतवाली थाना अधिकारी जो कह रहे हैं कि तत्काल इस वीडियो पर, फर्स्ट इंडिया पर जो वीडियो चल रहा है इस पर तत्काल संज्ञान यहां पर लिया जाएगा और खुद जांच यहां पर विजय शर्मा जी करने वाले हैं। जियाउद्दीन, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या वाकई में वहां पर अपराधी इतने अनकंट्रोल हो चले हैं कि पुलिस का डर यहां पर नहीं और बीच सड़क पर वो इस तरीके से मारपीट करते हैं? विजेंद्र, देखिएगा कि पहला वाक्य नहीं, अगर बात की जाए पिछले 6 महीने की, इतने बड़े क्राइम टोंक के अंदर होने लगे हैं जिनको लेकर यहाँ के लोग टोंक के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करने लगे हैं। एक कांस्टेबल को बीच हाईवे के ऊपर चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है, 55 दिन बाद भी पुलिस उसका खुलासा नहीं करती है। लूट होती है, मंदिरों के अंदर चोरी होती है और कई ऐसे मामले हैं जो लगातार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बजरी खनन को लेकर माफी आमने सामने हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन देखा जाए तो टोंक के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई और जिस तरह के क्राइम यहाँ पे टोंक के अंदर हो रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि जो पुलिस है उसका डर अपराधियों में खत्म हो चुका है। आमजन पूरी तरह से भयभीत नजर आ रहा है, क्योंकि आज का जो नजारा था उसको देखकर हर कोई चकित रह गया था। क्योंकि पहली बार कमी से इसे देखने को मिलता है कि टोंक में इस तरह की हरकत देखने को मिली, क्योंकि टोंक एक सेंसिटिव एरिया है, अति संवेदनशील एरिया है और ऐसे स्थानों को पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि यहाँ पे पहले भी पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं। तो पुलिस के जाब्ते की तैनाती रहनी चाहिए वहां पर, जो ये घटना करने वाले उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि वहां पर टोंक, अगर शहर की बात की जाए तो किसी तरह की सिविल ड्रेसेस में जो पुलिस वाले होते हैं वो कहीं पे नजर नहीं आते। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ पर थाना अधिकारी साहब ने किया है जल्द यहाँ पर जानकारी जुटा पाए कि आखिर ये कौन है। बहरहाल